राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक शुक्रवार को सीएम आवास घेराव करने पहुंचे। अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर तय कार्यक्रम के तहत राज्य भर के पंचायत स्वयंसेवक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे। घेराव करने पहुंचे लोगों ने बताया कि पंचायत स्वयंसेवक पिछले 6 वर्षों से राज्य और भारत सरकार के हर महत्वाकांक्षी योजनाओं में कार्य कर रहे हैं। इसको लेकर प्रोत्साहन राशि दी जाए, क्योंकि इस बढ़ती महंगाई में प्रोत्साहन राशि से परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। वहीं यहां पर जयराम महतो पहुंचे हैं और अपनी सभा को संबोधित कर रहे हैं। माध्यम से ही लोकतंत्र को जिंदा रखा जाता है, इसलिए हम आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। आप जिन मुद्दों के साथ यहाँ आए हैं और मुद्दों पर गौर करते हुए जो स्वयंसेवक हैं, जिन्होंने अपना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा इस सेवा में दिया है प्रोत्साहन राशि के माध्यम से, तो कम से कम इन पर विचार करते हुए, समीक्षा करते हुए इनकी नियुक्ति को सुनिश्चित करने की प्रयास किया जाए। देखिए पहली बात, आप इससे पहले भी जो भी नियुक्तियाँ होती थी उनमें 2 साल 4 साल के बाद निश्चय ही उनकी बहालियों को निश्चित किया जाता था कि आपकी बहाली खतरे में नहीं है। और कहीं ना कहीं उन्होंने जीवन का अपना बहुत 5 साल किन्होंने 6 साल दिया है, और यहाँ से अगर आप उन्हें रोक देते हैं या फिर यहाँ से आप उन्हें अगर किसी और दिशा की ओर मोड़ते हैं, तो निश्चय उनका एक बहुत बड़ा कालखंड, जीवन का कालखंड जो उन्होंने दिया है, वह कहीं ना कहीं उनकी वो ऊर्जा फिर आगे नहीं रह पाएगी। तो इसलिए सरकार की मांग, सरकार के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं, उस मांग को पूर्ण करने के लिए सरकार को आगे आकर वार्ता करनी चाहिए। और हमारी मांग, क्योंकि सरकार ने भी वादा किया था कि प्रत्येक साल 5 लाख की नौकरियां दी जाएंगी, 5 साल की नौकरियां तो दूर की बात है, यहाँ जो नौकरियां हैं उन्हें आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर 5 साल की नौकरियां तो बहुत दूर की बात है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए राज्य में अराजकता ना हो, राज्य में अहिंसा ना हो, जो युद्ध जिनके कंधों पर राज्य की बागडोर हो वो हतोत्साहित ना हो, इसलिए इनकी मांगों को सुनिश्चित करते हुए इनकी नियुक्ति को सुरक्षित रखा जाए। निश्चय ही आज तमाम सरकारें, पूर्ववर्ती सरकार की बात करें या वर्तमान सरकार की बात करें, युवाओं को केवल और केवल छला गया है। और युवाओं को अगर छलने का काम करते तो जाहिर सी बात है युवा राज्य की, देश की रीढ़ होते हैं। अगर उन्हें छलने का काम किया जा रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है राज्य अपना नुकसान कर रहा है, देश अपना नुकसान कर रहा है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए राज्य में अराजकता ना हो, राज्य में अहिंसा ना हो, राज्य में विद्रोह की भावना ना पनपे, इनकी मांगों को सुरक्षित किया जाए और इनकी मांग को पूरा किया जाए। जी हाँ, मैं जो स्वयंसेवक हैं इनके समर्थन में इनके साथ खड़ा हूँ, और इस आंदोलन को ये जिस स्तर तक ले जाना चाहेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जयराम जी, यहाँ आने का मुख्य रीजन क्या है? यहाँ आने का मुख्य रीजन है हमारे जो स्वयंसेवक भाई बंधु लोग आज अपनी मांगों को लेकर धरना दिए हैं, इनका समर्थन के लिए हम यहाँ आए हैं। और तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करते हैं इनकी मांग को पूरा किया जाए। जयराम जी, एक दिन पहले सदन समाप्त हो जाता है, ये लोग तो आए थे सदन जाने के लिए, लेकिन एक दिन पहले ही सदन समाप्त कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? ये आज तक सुना था आपने? जी हाँ, कहीं ना कहीं जो 3.25 करोड़ की आबादी है, राज्य का सर्वोच्च मंदिर विधानसभा, जहाँ से इस राज्य के कल्याणकारी नियम बनते हैं, जहाँ से किसान गरीब गुरबा एक आशा और उम्मीद रखता है, वहाँ अगर सदन का ना चल पाना, सदन का स्थगित हो जाना, कहीं ना कहीं लोकतंत्र प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या ये वही लोकतंत्र है जिसकी कल्पना हमारे महावीरों ने, हमारे महापुरुषों ने किया था? तो कहीं ना कहीं निश्चय ही संकेत साफ हैं, केवल और केवल मुट्ठी भर लोगों के माध्यम से राज्य संचालित हो रहा है। इसलिए आज चाहिए आंदोलन के माध्यम से, मैं तमाम सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा, जो लोग आंदोलित हैं एक जगह एक मंच पर आकर एक ऐसा आंदोलन करें जो फिर राज्य को और दोबारा आंदोलन करने की आवश्यकता ना पड़े। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।